तीनों सेक्शन में सबसे टिपिकल कौन सा लगा था? देखो तुम्हारे को जिस चीज की आदत होती है ना, ठीक है, वो तो है ए पार्ट, ठीक है, और जिसकी आदत नहीं होती है वो बी और सी होता है, और ये सबसे इंटेलिजेंट बच्चा वो होता है जो बी पार्ट को करता है। 10 में से अगर 8 क्वेश्चन कर दिए ना, तो आप मान लेना एक्सपर्ट हो आप उन चीजों के अंदर, क्योंकि उसके अंदर आंख कान सब खुले हुए होने जरूरी होते हैं, क्योंकि चारों ऑप्शन में कोई तीन सही, कोई दो सही, कोई चार सही, वो सबसे जबरदस्त क्वालिटी होती है। और रही बात कैलकुलेशन का, आपको तब पता चलेगा कि हमारी कैलकुलेशन कब अच्छी है। आप सी पार्ट के अंदर जैसे कोई बच्चा होता है, कई होते हैं ना तुक्के मार अचूक हथियार जो काम में लेते हैं, वो होते हैं ए पार्ट वाले, ठीक है, क्योंकि अब जैसे कई लोगों के कैलकुलेशन लंबा नहीं चलता है ना, ठीक है, वो सिर्फ ए ही पार्ट कर सकते हैं, बी और सी नहीं कर सकते। पिछली बार जैसे सी पार्ट नहीं होने का, कई लोग कितनी तो पता है जबरदस्त कैलकुलेशन करते हैं, जब चलते हैं ना तो पूरा आंसर आता है, वो सी पार्ट करेगा, और जिसके अंदर सी पार्ट के अंदर और बी पार्ट के अंदर जिसके नंबर आएंगे ना वो मारेगा रिजल्ट। ए पार्ट के अंदर अप्रोक्सीमेट जो करते हो लगभग सही हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर चार ऑप्शन होते हैं, ठीक है, इसीलिए जेम की कट ऑफ कम रहती है। क्यों? क्योंकि ए बी और सी बहुत ही प्लानिंग के साथ बना रखी है, ठीक है, आप करोगे भी तो क्या करोगे, ऑप्शन तो दिख नहीं रहे, समझ भाई। तो सबसे टिपिकल जो पार्ट होता है वो बी होता है, उसके बाद सी होता है, उसके बाद ए होता है, मेरा नजरिया सर हरी। और टिपिकल का क्या पड़ा है, जो कैलकुलेशन करने के आदत डाल लो, सिंपल सी स्टोरी है। पिछली बार हमारे ये क्या नाम है, कई धुरंधर थे जिनके ए पार्ट में 27 नंबर, बी और सी में 0, तो ऐसे लोग फिजिक्स के अंदर इनके हाथ पैर नहीं चलते, ऐसे होते हैं तुक्के मार। अबे एक एक नंबर का जो क्वेश्चन आता है, क्या एनपीएन ट्रांजिस्टर है, हाँ ना, हाँ और ना, वो तो कर ही दोगे। कई फर्जी क्वेश्चन नहीं आते, आते हैं, अरे यारो अगर किसी को मुंह नहीं फाड़े ना तो एक बात दूंगे आपको, सही का पड़ोसी। यारो आपका दिमाग ही काम नहीं करता है, मैं कहता हूं कि इतनी सिंपल कैलकुलेशन रखो, मैं अगर मुंह धोके चला जाऊं ना पेपर के दौरान, बस आंखें खुले, कई लोग मुंह धोके नहीं जाते। 30 क्वेश्चन आपको ऐसे पढ़े के पढ़े मिलते हैं जो पहले से ही आपको पता होता है ये क्वेश्चन आने थे, क्या बात करते, इतना आसान सिलेक्शन होता है, आप तो भावड़े हो रहे हो, जो है ना बिना मतलब की चीजें पढ़ना, इजुल फिजुल चीजें पढ़ना, बिना मतलब किताबों के मुंह मारना, 10-15 लोगों की गाइडेंस में रहना, ये बेकार की चीज होती है और कोई चीज नहीं होता। गाइडेंस का बहुत फर्क पड़ता है, आपको नहीं बताया, कई लोग गाइडेंस की वजह से मार खाए हुए हैं, जिनके ऊपर 5 साल लोग गाइड करते हैं उनको, 5 साल लोग एक की गाइडेंस में रहो प्रॉपर, कि मैं तो इसी का कहना मानूंगा, क्योंकि सबका तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। वो हमारे एकता नहीं थी, एकता को 5-7 लोग जो जाता था वही गाइड कराता था, जो जाता था मैं कह यार ये छोरी मार खाएगी, कुछ भी हो जाए, और वो छोरी इतनी होशियार थी, ठीक है, और वो लाश में मार ही खा गई, क्योंकि जो 10-15 की गाइडेंस में रहता है ना वो बंदा मार खाएगा, और गाइडेंस एक की रहो, एक की सुनो, और हाँ खुद का भी तो कुछ प्लानिंग करो यार, खुद कोई प्लान ही नहीं कर रहे हो, दूसरा बता जा रहा है। अब एकता के साथ तो क्या होता था, कभी मैं जाता था, ठीक है, मैं कह यार एकता ऐसा करना, तो मेरे साथ वो राहुल ले जाता था, तो वो तो बोल ही नहीं देता था, मेरा भी बाप था वो, तो तू ऐसे पढ़ना, तू वैसे पढ़ना, अरे मैं क्या भाई रुक तो छोड़ो, पढ़ तो लेने दे पहले, और मेरे पास जो पढ़ा हुआ है उनको फिजिक्स आएगा ना आए, ज्ञान देना आता है, इसलिए मैं तो सब बच्चों को एक ही बात कहता हूं, किसी दूसरा अगर ज्ञान देना शुरू कर देना, IIT-jam के बारे में बताने देना ना, ठीक है, एक वो क्या होते हैं चिपका देना, वो रखना ऊपर मुंह के बल ऐसे रखना, चुप रहे दिमाग का दही मत कर, सिंपल सी स्टोरी, मैं अपने आप कर लूंगा पेपर, मुझे करना आता है, तो क्योंकि टाइम खराब करेगा, सुनेगा दिमाग में 20 बातें आएंगी, और कई होते हैं रिजर्व टाइप के नेचर के आदमी होते हैं, कई रिजर्व टाइप के ऐसे होते हैं कि बैठे रहते हैं सुनते रहते हैं लेकिन फर्क नहीं पड़ता, या ऐसे बढ़ दो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सुना दे।
सुना क्योंकि कईयों को ऐसा लगता है एनर्जी तो इसकी खत्म हो रही है सुना इसलिए या ऐसे बढ़ना और आपको अगर अपने मन की करनी है आप आईटी चले जाना आईटी जाने के बाद में जो मन में आता है जो उल्टा सीधा ज्ञान देना है मेरे बच्चों के अलावा सबको देना क्योंकि मैं तो चाहता ही हूँ कि कोचिंग के अलावा सारे रिजल्ट नेगेटिव हो सबका कर देना उल्टा सीधा धमाधम कर देना मेरे वालों को तो ज्ञान वैसे ही नहीं देने दूंगा क्योंकि मेरे वालों की तो मैं तारबंदी रखता हूँ रास्ता एक ही होता है और देखो जो एक की गाइडेंस में रहता है ना वो बहुत ऊपर तक जाता है बहुत ही खतरनाक तरीके से जाता है मैं गलत कह रहा हूं चलो ये अपनी सुनो स्टाइल एक ही तरीका है अपनी सुन लो बस कि मैं परफेक्ट करूंगा और 5-7 पेपर दे के देख लो और फिर क्या प्लानिंग आपकी काम कर रही है उसी हिसाब से चलो और कहीं अंदर बीच में डिमोरलाइज मत हो ठीक है जोधपुर ये पीछे कोने में बैठता है ना दिखा दूंगा तेरा रिजल्ट